कोरोना ने मजीद 9 जिंदगियां निकले। वबा खतरनाक हद तक बढ़ने लगी। शहर में 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1362 नए मरीजों रिपोर्ट हुए। जिले अदालतों के 2 जजेस, डिविजनल कमर्शियल ऑफिसर रेलवे श्री हिना असगर और LDA में मजीद 4 अफसरान में वायरस की तस्दीक हुई। IG जेल मिर्जा शाहिद भी कोरोना वायरस का शिकार। अस्पतालों में कोरोना के 684 मरीज दाखिल, 186 मरीजों की हालत तश्वीशनाक है, वेंटिलेटर्स पर मुंतकिल कर दिए गए। साठ साल से जायद उम्र के अफराद को वैक्सीन लगाने का अमल जारी। वैक्सीन वाफिर मकदार में मौजूद है। सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ केयर सारा असलम का दावा, कहती हैं अब तक 1,90,205 हेल्थ केयर वर्कर्स जबकि आम शहरियों को कुल 2,50,467 वैक्सीन लगाई जा चुकी है। उधर वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का PKL वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा, बुजुर्ग शहरियों के लिए सहूलियात का जायजा लिया। सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ की ब्रीफिंग, बुजुर्ग शहरियों ने वजीर सेहत से इंतजाम बारे इजहार इत्मीनान किया। शहर के टीचिंग अस्पताल टीचिंग फैकल्टी से महरूम, भर्तियां ना होने से अस्पतालों में इलाज मुआवजे की फराहमी में मुश्किल। मजंग टीचिंग अस्पताल में प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर तायुनात हो सका, ना ही कोई एसोसिएट प्रोफेसर भर्ती हो सका। शोभा गायनी चलाने के लिए सिर्फ 3 वुमेन मेडिकल ऑफिसर और 2 कंसल्टेंट तायुनात हैं, जबकि 3 वुमेन मेडिकल ऑफिसर में से सिर्फ 1 ड्यूटी पर मामूर है। सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों में जिद्दत लाने का अहम मंसूबा रोल बैक। पंजाब के 21 अस्पतालों समेत तमाम मेडिकल सेंटर्स में प्राइवेट लैब की सहूलियत का मंसूबा मंसूख। कंपनियों की अदम दिलचस्पी के बाद सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने मंसूबा मंसूख किया। मसाजिद के लिए SOPs तय करने के लिए इकदाम। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जेर सदारत वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर और 15 से जायद उलमा की शिरकत। सदर आरिफ अलवी बोले उलमा की मुशावरत से SOPs तय किए जाएंगे, जबकि रमजानुल मुबारक में SOPs की निगरानी के लिए काबीना अराकीन की कमेटी तश्कील दे दी गई। जायद किराया और कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियाँ। कमिश्नर लाहौर की हिदायत पर मुसाफिर गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 10 मुसाफिर गाड़ियाँ बंद, 25,000 जुर्माना आयद कर दिया गया। जायद किराया वसूली की शिकायत पर वैगने बंद, जबकि कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 1130 मुकदमा दर्ज किए गए। लाहौर में बगैर मास्क घूमने पर 554, SOPs की खिलाफ वर्जी पर 576 मुकदमा दर्ज हुए। सरकारी ट्रांसपोर्ट बंद, ट्रांसपोर्ट ने अस्खुद किराए बढ़ा लिए, शहरियों के लिए मजीद परेशानी बन गई। इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में 70% तक इजाफा। नुकसान पर गाड़ियां नहीं चला सकते, 50% मुसाफिरों के 22 किरायों में इजाफा किया, ट्रांसपोर्टर्स का रद्द अमल। अपना घर स्कीम में बड़ी पेशरफ्त। प्री अर्बन सोसाइटीज़ अपना घर स्कीम के फेज़ 1 के लिए 3 अरब कर्ज की मंजूरी। महकमा हाउसिंग कर्ज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करेगा। फंड्स बैंक ऑफ पंजाब कमर्शियल बैंक मोर्टगेज फाइनेंसिंग के तहत देगा, जबकि महकमा खजाना ने लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी को तनख्वाहों और बिलों की अदायगी के लिए 32,70,00,000 रुपये जारी कर दिए। नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स मंसूबे का संगे बुनियाद रखने का मामला, वज़ीर आज़म के हाथों इफ्तिताह करने की तैयारियां भी जारी। वज़ीर आज़म का 9 अप्रैल के दौरा लाहौर पर इफ्तिताह शेड्यूल कर लिया गया। बागों के शहर लाहौर को साफ सुथरा और दिलकश बनाने के लिए ज़िला इंतजामिया कोशां। कमिश्नर लाहौर और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने सर जोड़ लिए। शहर की सफाई के लिए शॉर्ट और मीडियम लॉन्ग टर्म प्लान जारी। लाहौर में जगह जगह गंदगी कचरा शहरियों के लिए परेशानी का सबब बनने लगा। मंसूरा मेन बाजार और पंजाब यूनिवर्सिटी शादी खोई में भी कचरे के ढेर लग गए, ताफुन फैलने लगा। इलाका मकीनों का आला हुकाम से नोटिस लेकर सफाई कराने का मुतालिबा। उधर नवाब पार्क बंद रोड के इलाके में सीवरेज मसाइल ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। सीवरेज पाइपलाइन मुकम्मल तबाह, निकासी आब न होने से मकानात को नुकसान पहुँचने का खदशा।
तुर्क कंपनी अल्बेराग का मेट्रो ऑपरेशन जारी रखने का फैसला। नई बसों की पाकिस्तान में दरामद तक अल्बेराग कंपनी मेट्रो बस चलाएगी। तुर्क कंपनी ने पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी की खसूसी दरख्वास्त पर फैसला किया। लेस्को सेंट्रल सर्कल्स की टीम का मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन। मुतादिद बिजली चोरों के कनेक्शन मुनकता। इंदराज मुकदमात के लिए मुतालिका थानों में दरख्वास्तें जमा करवा दी। ऑपरेशन के दौरान डाटा डिफॉल्टर से भी 10 लाख रुपए रिकवर किए गए। सर्विसेज अस्पताल के शोबा ऑर्थोपेडिक सर्जरी की अबतर हालत। सर्जरी में इस्तेमाल होने वाली न्यूमेटिक ड्रिल मशीन खराब। डॉक्टर्स दीवारों में सुराख करने वाली ड्रिल मशीन इस्तेमाल करने लगे। शोबा ऑर्थोपेडिक सर्जरी की अपग्रेडेशन बार बार इस्तेदा के बावजूद ना हो सकी। सट्टाबाज व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए सट्टा लगाते रहे। पाकिस्तान शुगर ग्रुप, शुगर, हमजा शुगर, हंसरा शुगर, अलमीर शुगर समेत दीगर मिल सट्टे में मुलविस। ब्रोकर में उमर वहीद, आसिफ, हाजी हीरा, तुफैल समेत दीगर शामिल। शुगर सट्टाबाज महमूद अख्तर भल्ली और मौलवी जहीर के होशरुबान के शफात। सट्टे की रकूम के लिए 18 बेनामी अकाउंट्स इस्तेमाल किए। 150 से 200 रुपये महाना फी बोरी के हिसाब से कीमत बढ़ाने का एतराफ किया। गुंजान आबादियों में चीनी की मसनूई किल्लत। कमिश्नर लाहौर का नोटिस। बोले चीनी 85 रुपये फी किलो ही फरोख्त होगी। इस वक्त शहर में चीनी की योमिया खपत 360 मेट्रिक टन है, जो रमज़ान मुबारक में ज़्यादा हो जाएगी। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने मजीद कहा, मसनूई किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। आईजी पंजाब इनाम गनी का बड़ा फैसला। क्रिमिनल केसेस वाले एसएचओस को कल तक ओहदों से हटाने का हुक्म। ज़ेरे इंतवा इंक्वायरीज के हामिल थानेदारों को भी हटाया जाए। आईजी पंजाब ने आइंदा एसएचओस की तायुनाती के लिए नए एसओपी जारी कर दिए। इन्वेस्टिगेशन विंग या थाने में बतौर तफ्तीशी 2 बरस काम न करने वालों को एसएचओ न लगाने की हिदायत कर दी। मांगा मंडी के इलाके में टेक्सटाइल मिल्स में आतिशबाजी। रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। आतिशबाजी से फैक्ट्री का कीमती सामान जलकर राख बन गया। सूबे के 27,000 स्कूल अपग्रेड करने की तैयारी। 6,653 कंप्यूटर और साइंस लैब बनेगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान गुलज़ार की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। फरोगे तालीम और तालीम तक रसाई के लिए इकदाम का जायजा। पहले फेज में प्राइमरी, दूसरे मरहले में एलिमेंट्री, जबकि तीसरे मरहले में हायर सेकेंडरी स्कूल अपग्रेड किए जाएंगे। भट्टों की रोजाना की बुनियाद पर इंस्पेक्शन करने का फैसला। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने भट्टों की इंस्पेक्शन के लिए वर्क क्लीन ऐप तैयार कर ली। ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी के प्रोटोकॉल्स के खिलाफ वर्जी पर भट्टा मालिकान को भारी जुर्माने हो सकेंगे। मुस्लिम लीग नून यूथ विंग की सदारत का मामला। रुकन कौमी असेंबली शेख रुहेल असगर और रुकन सूबाई असेंबली पाऊ अख्तर अली ने इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। दोनों रहनुमा अपने कारकुन को सदर बनवाने के लिए ख्वाहिशमंद। वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान गुलज़ार से वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की मुलाकात। तरक्याती मनसूबों और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान गुलज़ार ने वज़ीर ख़ारजा को जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के मुतालिक इक़दामात बारे आगाह किया। किसानों से बुरा सलूक कब खत्म होगा? हुकूमत किसानों से गंदम नहीं खरीद रही तो फिर जिला पर पाबंदी किस बात की? स्पीकर चौधरी परवेज इलाही किसानों के हक में बोल पड़े। किसान विंग के वफ़द से गुफ्तगू में कहा, पिछले साल यूक्रेन के किसानों को फायदा पहुंचाया गया, हमारे किसान रुल गए थे। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से डिप्टी चेयरमैन सेनेट की मुलाकात। मिर्जा मोहम्मद अफरीदी ने 1000 पाटा तलबा के लिए स्कॉलरशिप पर शुक्रिया अदा किया। चौधरी सरवर कहते हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान विफाक की मजबूती पर यकीन रखते हैं। वज़ीर सेहत की ज़ेर सदारत काबीना बराए इंसदाद डेंगू मुहिम का इजलास। चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर, कमिश्नर लाहौर, डीसी हेल्थ सर्विसेज पंजाब की शिरकत। कमिश्नर्स और डीसी हजरात को इंसदाद डेंगू मुहिम के इदादोशुमार के हवाले से डैशबोर्ड को खुद मोनिटर करने की हिदायत की।